भोपाल से 21 बाइकर्स का दल अलीराजपुर जिले के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचा, जहां बाइकर्स का प्रशासन, जनप्रतिनिधि व नागरिकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बाइकर्स चंद्रशेखर आजाद को नमन कर मिट्टी कलश लेकर भोपाल रवाना हुए। आपको बता दें कि 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भोपाल में आयोजित होने वाली युद्ध महापंचायत के लिए भोपाल से बाइकर्स का दल चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा पहुंचा, जहां प्रशासन, जनप्रतिनिधि के साथ स्थानीय नागरिकों ने सभी बाइकर्स का जमकर स्वागत किया। 21 बाइकर्स के दल ने भावरा में आजाद की कुटिया पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इसके बाद उनकी जन्मस्थली से मिट्टी कलश लेकर सभी को पुनः भोपाल के लिए रवाना किया गया। 23 जुलाई को भोपाल के शौर्य स्मारक पर ये सभी मिट्टी कलश ले जाए जाएंगे। वहीं भोपाल में युद्ध महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश भर के युवा शामिल होंगे। मेरा नाम प्रशांत पाटिल है, मैं भोपाल से हूँ। हमारे क्लब का नाम है। हम लोगों को इस कार्य के लिए चुना गया है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम इस अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि पर आएंगे। हम लोग कल रात में झाबुआ थे, झाबुआ से हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे भावरा गांव में आए हैं, और यहाँ से हम लोग ने कलश में पवित्र मिट्टी और पवित्र जल को लेकर के सुरक्षित भोपाल जाएंगे, और वहाँ हम शौर्य स्मारक में जाके स्थापित करेंगे। बाकी यहाँ आके काफ़ी अंदर से अंदरूनी इतना अच्छा फील हो रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि इस मिट्टी पर, चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि पर, हम लोग कभी कदम रखेंगे। हमारे पूरे ग्रुप मेंबर टोटल हम लोग 21 राइडर्स भोपाल से आए थे। कल इसके हम मॉर्निंग में 11 बजे वहाँ से चले थे, और आज हम यहाँ पे आपके सामने हैं। तो हम सारे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, अपने आप को मान रहे हैं, और हम सब भाग्यशाली हैं जो हमें इस कार्य के लिए चुना गया। मैं आप सभी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का, भावरा निवासी सारे जो निवासी हैं यहाँ के, उनका सबका हाथ जोड़ के मतलब अभिवादन करूँगा कि इनने इतने अच्छे से हम लोगों को रिस्पेक्ट दी, और यहाँ से हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, इतना सम्मानित किया। तो धन्यवाद। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।